हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बिग बॉस 12 की ट्रॉफी भले ही दीपक ठाकुर नहीं जीत पाए हों, लेकिन बाहर आते ही बिहारी बाबू की किस्मत ही चमक गई है। बता दें कि दीपक ठाकुर अब आम से खास हो चुके हैं, तो वहीं शो खत्म होने के कुछ दिन बाद ही दीपक की झोली ऑफर से भर गई है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि दीपक खतरों के खिलाड़ी के सीजन 10 में नजर आएंगे। वहीं अब लीजिए, दीपक को 3 बड़ी फिल्मों के ऑफर आए हैं। दरअसल दीपक को बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट रहे करणवीर बोरा ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म में गाने का ऑफर दिया है। इस फिल्म का नाम हमें तुमसे प्यार इतना है। इस फिल्म के हीरो खुद करणवीर है। वहीं दूसरी तरफ श्री संत की पत्नी भुवनेश्वरी ने भी दीपक को फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। इसके अलावा धवन प्रोडक्शन हाउस ने भी दीपक को ऑफर दिए हैं। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस 12 में जितने भी कंटेस्टेंट घर में आए थे, उनमें से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है दीपक ठाकुर। बता दें कि दीपक बिग बॉस 12 के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में शामिल थे, जहां एक तरफ वो 20 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट लेकर शो को बीच में ही छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी तरफ श्री संत शो के फर्स्ट रनर अप रहे और आखिर में बाजी मार कर ले गई दीपिका कक्कर। खैर, अब जो भी हो, देखना तो अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि दीपक कब तक अपने न्यू प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं।